6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की नेतृत्व वाले विपक्ष से मार्गरेट अलवा प्रत्याशी हैं। आंकड़ों के खेल में अभी जगदीप धनखड़ काफी आगे चल रहे हैं। भाजपा के धुर विरोधी कहे जाने वाली तृणमूल कांग्रेस ने इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का फैसला लिया है। टीएमसी ने वोटिंग से दूर रहने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार भी ठहराया है। टीएमसी का यह कहना है कि विपक्ष का उम्मीदवार तय करने से पहले एक बार भी कांग्रेस ने टीएमसी से चर्चा तक नहीं की। ममता बनर्जी को अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए मार्गरेट अलवा ने आग्रह भी किया था, जिसे ममता ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के सामने मार्गरेट अलवा को अब तक कितने दलों का समर्थन मिला है, कितना वोट हासिल वो कर पाएंगी। तो सबसे पहले जानिए अलवा के आग्रह पर टीएमसी ने क्या कुछ कहा है। विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अलवा ने ममता बनर्जी से आग्रह किया था कि वो उपराष्ट्रपति वोटिंग से दूर रहने के अपने फैसले पर फिर से विचार करें। मार्गरेट ने कहा था कि टीएमसी विरोधी खेमे की महत्वपूर्ण शक्ति है, उपराष्ट्रपति चुनाव में उसके वोटिंग नहीं करने से भाजपा के ही हाथ मजबूत होंगे। टीएमसी के पास अभी भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का समय है। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय ने मार्गरेट अलवा के आग्रह पर बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि टीएमसी के उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का फैसला पार्टी के संसदीय दल की बैठक में काफी सोच विचार करके लिया गया है। हम मार्गरेट अलवा का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले पर पुनर्विचार की संभावना कतई नहीं है। तो अब जानिए कि अलवा के पक्ष में कितने दल हैं। विपक्ष से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को अब तक कांग्रेस, एनसीपी, वामपंथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आरजेडी का समर्थन मिला है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी समेत कुछ अन्य दलों का भी साथ मिल सकता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी अलवा का समर्थन किया है। शिवसेना सांसद संजय राउत अलवा की नामांकन प्रक्रिया में भी शामिल हुए थे। हालांकि शिवसेना के ज्यादातर सदस्य एनडीए के उम्मीदवार यानी जगदीप धनखड़ के साथ हैं। तो वही अब जानिए कि जगदीप धनखड़ को किसने किसने समर्थन दिया है। धनखड़ को अब तक भाजपा, जेडीयू, अपना दल, बीजेडी, एआईएडीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, एनपीपी, एमएनएफ, एनडीपीपी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मायावती की बसपा जैसे दलों का समर्थन मिला हुआ है। तो अब हम आपको बताते हैं कि किन दलों ने अब तक नहीं खोले हैं अपने पत्ते। राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल समेत कुछ अन्य पार्टियों ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में ये किसे समर्थन देते हैं। तो चलिए अब हम आपको ये भी बता दें कि धनखड़ को कितने वोट मिल सकते हैं। मौजूदा समय में लोकसभा में भाजपा के 303 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में 91 हैं। राज्यसभा में इन 91 के अलावा 5 नामित सदस्य भी भाजपा को वोट दे सकते हैं। इस तरह से भाजपा के पास मौजूदा समय में 394 वोट आसानी से हो जाते हैं। इनमें 5 नामित सदस्यों के वोट जोड़ दें तो ये संख्या 399 हो जा रही है। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार धनखड़ को अकेले दम पर आसानी से जीत दिला सकती है। अब सहयोगी दलों को भी इसमें शामिल कर लें तो भाजपा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अभी लोकसभा में 31 और राज्यसभा में 16 सांसदों का समर्थन भाजपा को मिला हुआ है। इनमें जेडीयू, आरपीआई, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, एआईएडीएमके, एनपीपी जैसी पार्टियां जो है वो शामिल है। इनके वोट जोड़कर भाजपा के पास कुल 446 वोट हो जाते हैं। जेडीयू, अपना दल, जनशक्ति पार्टी ने पहले ही धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। थोड़ा आगे बढ़े तो अब तक विपक्ष के कई दलों ने भी धनखड़ को समर्थन दे दिया है। इनमें बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस शामिल है। बीजेडी के पास अभी लोकसभा और राज्यसभा के कुल 21 और वाईएसआर कांग्रेस के पास 31 हैं। इन सभी के मतों को अगर जोड़ दें तो भाजपा का आंकड़ा 498 पहुंच जाता है। इसके अलावा शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट के 12 लोकसभा सदस्य समेत कुछ और दल भी धनखड़ को वोट दे सकते हैं। इस तरह से चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को 500 से भी ज्यादा वोट मिल सकते हैं। मतलब जीत के लिए निर्धारित 393 या 391 मतों से कहीं ज्यादा वोट धनखड़ को मिल जाएंगे।
तो चलिए अब बात कर जान लेते हैं कि अलवा के पक्ष में कितने वोट मिल सकते हैं। अभी तक के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार अलवा को कांग्रेस के 84, डीएमके के 34, एनसीपी के 9 और जेडी के 6, समाजवादी पार्टी के 6 सदस्य वोट दे सकते हैं। इस तरह से अलवा के पक्ष में 140 वोट आसानी से मिल सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 10, टीएमसी कांग्रेस के 36 सदस्यों का भी साथ मिल सकता है। ये दल राष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे थे और इस तरह से अलवा के समर्थन में 176 वोट पड़ सकते हैं और ये तब मुमकिन होगा जब टीएमसी उनके पक्ष में होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।